बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से मिलकर लौट रहे गुप्ता राजभर की गाड़ी की तिंदवारी में तलाश ली गई। इस पर राजभर भड़के और ट्वीट भी किया। राजभर के साथ मुख्तार का बेटा अब्बास भी थे। मुलाकात के लिए भेजी गई पर्ची में राजभर ने अपना नाम केवल ओम राजभर लिखा, केवल ओम प्रकाश लिखा। मंगलवार सुबह 11:15 बजे अब्बास के साथ राजभर मंडल कारा पहुंचे। यहां दोनों ने आधे घंटे मुख्तार से मुलाकात की। इसके बाद फतेहपुर के लिए निकले तो तिंदवारी पुलिस ने गाड़ी रोक ली। थाना प्रभारी योगेश प्रताप सिंह जहां चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने राजभर की गाड़ी के साथ पीछे चल रही गाड़ी को रोककर तलाशी कराई। 15 मिनट तक तलाशी के दौरान राजभर और थानेदार के बीच बहस भी हुई। वहीं एक अधिकारी ने नाम न लिखने की बात कहते हुए कहा कि राजभर की नियमानुसार मुख्तार से मुलाकात कराई गई। ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार शाम 4:42 पर ट्वीट कर आरोप लगाया कि बांदा जेल के तिंदवारी में उन्हें अपमानित करके उद्देश्य से पुलिस ने गाड़ी रोकी गई। अपराधियों की तरह उनकी गाड़ी की तलाशी लेकर उनसे बदसलूकी की गई। राजभर के साथ चल रहे लोगों ने चेकिंग का वीडियो भी बनाया। वीडियो में राजभर पुलिस से कहते नजर आ रहे हैं कि अभी किसी बीजेपी नेता की गाड़ी आएगी तो नहीं रोकोगी। तिंदवारी थाना प्रभारी ने कहा उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की, बल्कि ये एक रूटीन चेकिंग थी।